दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये एक हमारे पास सेट आया 32 इंच का, देख सकते हैं बैक लाइट इसकी ऑन है और डिस्प्ले हमें बिल्कुल ब्लैंक दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं आप, ये चाइना मेड सैमसंग है और इसके अंदर जो है हमें पैनल के अंदर सभी वोल्टेज वगैरह जो ओके मिल रहे हैं, एक बार मैं आपको चेक करवा देता हूँ। उसके बाद भी हमारा जो सेट है नो डिस्प्ले में, देख सकते हैं दोस्तों हमने अभी मीटर को डीसी रेंज पे रख लिया है और अभी हम पैनल की वीसीसी चेक करते हैं तो 12 वोल्ट ओके मिल रही है हमें और ये यहाँ पे जो वी ऑन के वोल्टेज मिलने चाहिए हमें वो भी ओके मिल रहे हैं। देख सकते हैं आप 30 वोल्टेज के करीब और ये 1.8 सप्लाई है। देख सकते हैं दोस्तों ये इसमें मदरबोर्ड जो है इंस्टॉल की गई है, इसके अंदर जो है मल्टी रेजोल्यूशन वर्क कर दिया है, हो सकता है कि इसकी जो है रेजोल्यूशन डिस्टर्बेंस हो चुकी हो। अभी हम एक बार इसको रिमोट से जो है चेंज करके देखेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमारी पिक्चर बनती है या नहीं। दोस्तों देखिए दोस्तों ये इसके ऊपर जो है रिमोट जो है वर्क कर रही है, देख सकते हैं आप पावर ऑफ भी हो रही है। अभी हम इसकी जो है रेजोल्यूशन चेंज करके देखेंगे कि हमारी पिक्चर जो है बनती है या नहीं। इसके अंदर जो है कई तरह के कोड वर्क करते हैं, सबसे पहले हम जो है इनपुट 3181 वगैरह लगा के देखते हैं कि हमारी पिक्चर ओके होती है या नहीं। इनपुट 03181, देखिए दोस्तों सेट हमारा पावर ऑफ नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो है रेजोल्यूशन कोड हमारा वर्किंग नहीं है। अभी हम दोबारा से इसमें 0371 वाला यूज़ करके देखते हैं, इनपुट 03771। देखिए दोस्तों सेट हमारा एक बार पावर ऑफ हुआ है और अभी हम देखते हैं पिक्चर हमारी ओके होती है नहीं। देखिए दोस्तों पिक्चर हमारी नहीं बनी है, अभी हम दोबारा से इसको चेंज करके देखते हैं। अभी हमने 71 दबाया था, अभी हम 72 दबा के देखते हैं, इनपुट 03772। देखिए सेट हमारा दोबारा से पावर ऑफ हुआ है, अभी ये दोबारा से ऑन होगा। देख सकते हैं दोस्तों सैमसंग जो है हमारा आ चुका है इसमें लिखा हुआ, वो सेट हमारा ओके हो चुका है, पिक्चर वगैरह ओके बन चुकी है इसमें। इसका जो सर्विस मोड है वो देखते हैं हम ओपन करके, इनपुट 208 के साथ नहीं खुल रहा है, इनपुट 1147 नहीं खुल रहा है, मीनू 1147 दबा के देखते हैं अभी भी नहीं खुल रहा है। अभी हम 2508 के साथ हमारा ये देखिए खुल गया है। इसके अंदर से हम पैनल सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं हम, देख सकते हैं पहले नंबर पे ऑप्शन है। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।